हेलो फ्रेंड, जय माता दी। मेरे चैनल लक्ष्मी वेज किचन एंड लाइफस्टाइल में आप सभी का दिल से स्वागत है। फ्रेंड्स, आपके भी हाथ में रुपया पैसा नहीं रुकता है तो यह उपाय आपके लिए कारगर साबित हो सकता है, तो आप भी अजमाइए, यह उपाय हो जाएंगे मालामाल। नंबर एक, नवरात्रि के दौरान आप किसी भी एक दिन पानी में दही मिलाकर नहाएं। यदि आपके हाथ में पैसा लंबे समय तक नहीं टिकता तो इस उपाय से घर में बरकत होगी और धन की वृद्धि होगी। नंबर दो, नवरात्रि के 9 दिन दुर्गा माँ के 9 रूपों का हम ध्यान करते हैं तो ऐसा माना जाता है कि वह हमारे लिए धन के योग बना सकती हैं। यदि आप नवरात्रि के किसी भी दिन पानी में हरी इलायची डालकर स्नान करेंगे तो आपको वरदान मिलेगा। नंबर तीन, नवरात्रि के दौरान आप धन लाभ के लिए माता लक्ष्मी की विशेष पूजा करें। इस दिन आप श्री सूक्तम का पाठ करें, इससे आपको लाभ होगा। नंबर चार, माँ दुर्गा जी की नियमित रूप से पूजा अर्चना करें और उन्हें अष्टमी तिथि के दिन श्रृंगार की सामग्री चढ़ाएं। ऐसा करने से आपके लिए धन के योग तो बनेंगे ही और पति पत्नी के बीच संबंध भी मजबूत होती है। नंबर पाँच, नवरात्रि के 5वें दिन सफ़ेद कौड़ी, सफ़ेद गट्टे, साबुत सुपारी, हरी इलायची, मखाने, सभी चीज़ 5 की संख्या में ले और मुट्ठी भर हवन सामग्री के साथ मिश्रित करके 108 बार माला जाप करते हुए हवन करें। नंबर छः, नवरात्रि की पूजा के दौरान आप हनुमान जी के मंदिर जाएं और उन्हें पान का बीड़ा अर्पित करें। इस उपाय से आपके लिए धन के मार्ग खुलेंगे। नंबर सात, यदि आप नौकरी और व्यापार में उन्नति चाहते हैं तो पान के पत्ते का इस्तेमाल नवरात्रि के 9 दिनों में करें। इस दिनों में आप पान का पत्ता लेकर उसमें कुछ गुलाब की पंखुड़ियां रखें और माता दुर्गा को चढ़ाएं। इस उपाय से आपका रुका हुआ धन भी वापस मिल जाएगा। नंबर आठ, नवरात्रि में अपने घर के मुख्य द्वार पर स्वास्तिक का निशान बनाएं। यह भी सुख समृद्धि का कारक होता है। यदि आप हल्दी या कुमकुम से स्वास्तिक बनाएंगी तो यह घर की आर्थिक स्थिति अच्छी बनाने में मदद करेगा। नंबर नौ, नवरात्रि में कलश या घट की पूजा की भी विशेष मान्यता है कि इस दौरान यदि आप घर में किसी वजह से घट स्थापित नहीं कर पा रही हैं तो नियमित रूप से घर की पूजा मंदिर जाकर करें। नंबर 10, नियमित रूप से दुर्गा सप्तमी अर्गला स्रोत का जाप करें और दुर्गा चालीसा का पाठ करें। इस उपाय से घर में धन की वर्षा होगी। नवरात्रि में दुर्गा मंत्र का जाप भी विशेष होता है। इन दिनों यदि आप इस मंत्र का जाप करेंगे तो लाभदायक होगा। नंबर 11, अगर आपके घर में पैसे को लेकर हमेशा किल्लत बनी रहती है तो नवरात्रि में लौंग का उपाय करना बहुत अच्छा माना जाता है। लौंग का एक जोड़ा छोटे से पीले रंग के कपड़े में बांधकर घर के किसी कोने में लटका दे या फिर अपने घर के स्थान पर रख दे। ऐसा करने से धीरे धीरे आपकी कमाई बढ़ने लगेगी और पैसों की किल्लत कम होने लगेगी। नंबर 12, नवरात्रि के पूरे 9 दिन लौंग कपूर से आरती करने से रातों रात आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार हो सकता है। इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा फैलती है। नंबर 13, पूरे 9 दिन सिंदूर का चढ़ावा अवश्य ही चढ़ाना चाहिए ताकि इससे आपके धन का विस्तार होता है। आप अपनी राशि के अनुसार सिंदूर में दुर्गा स्वरूप की पूजा कर सकते हैं, यह समृद्धि पैदा करता है। नंबर 14, नवरात्रि के दौरान शुक्रवार को महालक्ष्मी को चावल की खीर का भोग लगाने से समृद्धि आती है। नंबर 15, माता की पूजा के दौरान 5 गुड़हल के फूल चढ़ाएं और उन्हें अपने पर्स में रखने से आपकी आर्थिक स्थिति हमेशा अच्छी बनी रहेगी। लाल रंग के फूल देवी माँ का प्रिय फूल है। नंबर 16, यदि आप नवमी तिथि पर आम की लकड़ी से हवन करते हैं तो इस शुभ दिन पर जली हुई आम की लकड़ी से निकलने वाला धुआं नकारात्मक आत्माओं को दूर भगाता है और समृद्धि की ओर ले जाता है। नंबर 17,
नवरात्रि समापन के बाद घर में कन्या पूजन करें, कन्याओं को श्रद्धा पूर्वक भोजन कराएं और उन्हें दक्षिणा दें। इससे भी वास्तु दोष दूर हो जाते हैं जो आपकी समृद्धि और शांति में बाधा बन रहे हैं। नंबर 18, नवरात्रि में देवी के लिए अखंड दिया नैऋत्य कोण में जलाएं, वास्तु दोष स्वतः दूर हो जाता है। परिवार के सदस्यों के रोग दूर हो जाते हैं, शत्रुओं का नाश होता है और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। नंबर 19, नवरात्रि के पूरे 9 दिनों में एक लाल चुनरी में 5 प्रकार के सूखे मेवे चढ़ाएं और माँ को अर्पित करें। इस प्रसाद को आप बाद में भी ग्रहण कर सकते हैं, इससे आपकी लंबे समय से चली आ रही मनोकामना पूरी होगी। नंबर 20, घट स्थापना के दिन कलश को ईशान कोण में स्थापित करना चाहिए, इससे घर में समृद्धि बढ़ती है। नंबर 21, नवरात्रि में हल्दी और चावल के लेप से स्वास्तिक का चिन्ह बनाने से घर में सुख समृद्धि आती है, क्योंकि यह बेहद शुभ माना जाता है। आप भी यह उपाय जरूर करें। नंबर 22, अगर आप भी खुद का घर खरीदना चाहते हैं तो अपने घर का सपना पूरा करने के लिए इस नवरात्रि में मिट्टी का एक छोटा सा घर बनाकर पूजा स्थल पर रख दें। इस अचूक उपाय को करने से आपकी घर खरीदने की मनोकामना जल्द ही पूरी होगी। फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को आज की टिप्स वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में घंटी का बटन प्रेस कर दीजिएगा, उससे मेरे आने वाले नए टिप्स वीडियो देखने को मिलेंगे। तो मिलती हूँ ऐसे ही टिप्स वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। Thanks for watching my video.